हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ। ये देखिए आज मैंने क्या बनाया है। ये है बढ़िया सा स्नैक्स आइटम शाम को हल्की फुल्की भूख के लिए, जब आपके बच्चे जिद करें कुछ खाने को चाहिए कुछ खाने को चाहिए तो आप उन्हें ये बना के दे सकते हैं। ये मैंने बनाया है दो तरीके से मखाना, इंडियन पॉपकॉर्न भी बोलते हैं, वैसे हम इन्हें फॉक्सनट भी बोलते हैं, और बहुत हेल्दी होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। तो क्यों हम बाहर के अनहेल्दी स्नैक्स बच्चों को दें, ये बना के उन्हें दीजिए, उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे। ये एक मैंने दो फ्लेवर के बनाए हैं। ये वाला जो फ्लेवर है ये हनी है, थोड़े से तीखे थोड़े से मीठे, बहुत टेस्टी, और ये वाले चटपटे मखाना है। तो चलिए दोनों तरह से मखाना बनाना शुरू करते हैं। दोनों तरह से मखाना। सबसे पहले मैंने एक ही कढ़ाई ले ली है और इसमें भी सारे मखाने ऐड करते हैं। मखानों को हमें पहले ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि इसमें देखिए काफी ही सिले हुए होते हैं। अगर आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे और अगर आप इसको खाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको च्यू करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम पहले इसको ड्राई रोस्ट करेंगे जिससे कि इसका मॉइस्चर सारा हट जाए। और लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा लगातार हमें चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे से लग जाएंगे और जल भी सकते हैं। मुझे 3 से 4 मिनट हो चुकी है मखानों को इस तरह से भूनते हुए। मैं अभी एक बार फिर से इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए अब ये इजीली टूट रहे हैं, और अगर आप इसको जैसे हम स्नैक्स कोई भी मार्केट से लेते हैं इसे इस तरह से अगर दबाते हैं, देखिए चूर चूर हो रहे हैं, बस ये तैयार है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्टेड मखाना बना रही हूँ, जिसके लिए मैं ये ऐड करती हूँ 1 चम्मच घी। 1 से 1.5 चम्मच आप घी ले सकते हैं। घी के मेल्ट होते ही मैं इसमें से हाफ इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें ऐड करते हैं 1/4 चम्मच नमक, या फिर उससे भी थोड़ा कम, 1/4 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अच्छे से बस इनको कोट करना है और मखाना तैयार है। चलिए अब मीठे स्नैक्स बनाते हैं। फिर से मैं 1 चम्मच घी ले लेती हूँ, और घी मेल्ट होने के साथ ही इसमें मैं ये बचे हुए मखाने ऐड कर देती हूँ। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चिली फ्लेक्स, अकॉर्डिंग टू ये टेस्ट डालिएगा, 1/2 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच भरकर हनी। ध्यान रखिएगा हनी डालने से पहले फ्लेम बंद कर दीजिएगा। और ये तैयार है हनी चिली मखाना। ये लीजिए तैयार है बढ़िया से दोनों तरह से मखाना रेसिपी। ये बने हैं बढ़िया चटपटे मखाना, और ये बने हैं हनी चिली मखाना, थोड़े से मीठे थोड़े से स्पाइसी, बहुत डिलीशियस। तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये दोनों तरह से मखाना एज ए स्नैक वैरायटी कैसी लगी। आई होप पसंद आई होगी। शाम को थोड़ी हल्की फुल्की भूख के लिए बच्चों को देने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और आप इसमें वेरिएशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी एक और बढ़िया सी वीडियो के साथ। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। बाय।